गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन साइंस क्लास। हाँ जी बेटा, कल हमने डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में रीड किया था। आज हम पेज नंबर 42 से रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। We hear of cases where monkeys are troubling people, कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में सुना है जहाँ पे मंकी जो हैं लोगों को परेशान करते हैं। They often take away things from their houses, वो जो हैं घरों से सामान को या जो थिंग्स हैं उनको लेके चले जाते हैं। Sometimes we hear of leopard and tigers having become man eaters. और कुछ टाइम या कई बार हम सुनते हैं कि जो टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, ये क्या बन गए हैं, मैन ईटर्स, लोगों को खाते हैं। We should realize that they are doing so because man is destroying the living areas by cutting down forests. हमने ये रियलाइज़ किया है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं बाय कटिंग डाउन फॉरेस्टेज। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वाइल्ड लाइफ की जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफ़ेक्टिवली कंट्रोलिंग पॉचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट का नेम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और कब बनाई है, 1972 में। और इस एक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या चीज़ें कही गई हैं, कि जो लोग अलीगल हंटिंग कर रहे हैं, अलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाएगा। This has been amended in January 2003। और ये लागू कब हुआ, amended होता है लागू करना, कब लागू हुआ ये, January 2003 में। बना तो ये 1972 में था लेकिन शुरू कब हुआ, January 2003 में। Punishment and penalty for offences under the act has been made more stringent, कि इस एक्ट के दौरान यह तय किया गया कि लोग जो इस तरह से अलीगल हंटिंग करेंगे उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी और पेनल्टी के रूप में पेनल्टी भी डाली जाएगी। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज़ दैट दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स, कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत सारी फूड चेन का। इफ़ दे आर किल्ड मैनी अदर एनिमल्स इन दैट फूड चेन गेट इफेक्टेड, कि अगर हम इस तरह से अदर एनिमल्स को मारते रहेंगे तो जो फूड चेन है वो क्या होगी, अफेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब। तो फर्स्ट हम फूड चेन के बारे में रीड करेंगे। फूड चेन इज ए प्रोसेस ऑफ हु ईट्स हुम, कि फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस है कौन किसे खाएगा। ठीक है, हु ईट्स हुम, अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड। फूड चेन से हमें पता चलता है या शो करती है कि कैसे जो है ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है, लीव्स ईटन बाय कैटरपिलर, ईटन बाय अ फ्रॉग, eaten by snake, eaten by an owl from one food chain, कि एक चेन बनी हुई है कि कौन किसको खाता है। If we destroy one link in a food chain, we might end up the destroying the whole food chain. अगर हम इस लिंक में से किसी फूड चेन को इफेक्ट करते हैं तो जो होल फूड चेन है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स सच एज डेजर्ट, वाटर और प्लेन्स। फूड चेन जो है हम एवरीवेयर देख सकते हैं, ठीक है, चाहे डेजर्ट हो, वाटर हो या प्लेन्स एरिया हो। ठीक है,
Most animals are part of more than one food chain. They also eat more than one kind of animals in order to meet their food requirements. कि बहुत सारे animals जो हैं वो एक food chain का part हैं और वो एक दूसरे animals को खाते हैं और अपनी जो requirements हैं food की उनको reach करते हैं. Such interconnected food chains form a food web. और इस तरह से जो food chain के अंदर जो है इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, तो वो क्या बनाती हैं? फूड वेब. हाँ जी बेटा, देखिए पिक्चर देख सकते हैं आप आपकी बुक के ऊपर जो बनी है, कि लीव्स जो हैं उनको कौन खाएगा? कैटरपिलर. और कैटरपिलर को कौन खाएगा? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. और स्नेक को कौन खा लेता है? आउ. तो ये पूरी जो चेन है इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन. Food webs show how plants and animals are interconnected in many ways to help them survive in nature. कि food web से हमें पता चलता है या food web हमें show करती है कैसे जो है animals और जो plants हैं आपस में interconnected हैं, ठीक है, अपने nature में survive करने के लिए. ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे picture बनी हुई है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ये देखिए बेटा, ग्रीन प्लांट्स को गॉट खाएगी. गॉट को कौन खा लेता है? लाइन. प्लांट्स को कौन खा रहा है? रैबिट. फिर जैकल. फिर जैकल को कौन खा लेगा? लाइन. फिर रैट को कौन खाएगा? वाइल्ड. कैट भी खाएगी और उसको कौन खाएगा? लाइन. रैट को आउल भी खा लेता है और रैट को स्नेक भी, स्नेक को ईगल. तो इस तरह से ये चेन बनी हुई है और इस तरह से जब प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो ये वो क्या बनाते हैं? फूड वेब. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा होमवर्क. और होमवर्क में आपने पेज नंबर 42-43 को रीड करना है. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है. इज़ इट क्लियर? ओके.